इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि एंट्रीज कैसे पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टीएस ग्रेवल, निपा लिमिटेड इशूड रुपीज 10 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 100 का एक डिबेंचर है तो कितने डिबेंचर्स हो गए? 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो ये ध्यान से रीड करना है, रुपीज मतलब वैल्यू गिवन है, कभी कभी ऐसा लिखा होगा 10 लाख डिबेंचर्स तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है, तो रीड केयरफुली कि आपको क्या गिवन है। यहाँ पे वैल्यू गिवन थी तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो भी ये परसेंटेजेस होती है ना, ये हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। जो भी परसेंटेजेस कैलकुलेट होती है वो फेस वैल्यू पे होती है, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखना, द डिबेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। दो सेपरेट स्टेजेस है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बना के भी दिखा देंगे, पहले जर्नल एंट्रीज एक बार समझ लेते हैं, सिंपल सा केस है। बट जो गलती हो सकती है वो अमाउंट में हो सकती है। एप्लीकेशन टोटल 25 रुपीज है, 25% ऑफ 100, तो 25 है अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 10 है तो एप्लीकेशन कितनी है? 15 प्लस 10, टोटल 25, और डिबेंचर टोटल है कितने का? 100 फेस वैल्यू है, तो अलॉटमेंट कितने की रही होगी? 85 रुपीज, 90, 100। अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज होती तो कैसे पास होती? ध्यान से देखना, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री होती, कैश बुक ना होता, तो कैसे एंट्री पास होती? क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। कंपनी का नाम क्या है? निपा लिमिटेड। तो हमें क्या लिखना चाहिए? जर्नल इन द बुक्स ऑफ निपा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स और 25 रुपीज की एप्लीकेशन मनी है, तो कितना हो जाएगा? 2,50,000, 10,000 इंटू 25, 2,50,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या है परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स? कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 2x% डिबेंचर्स। सिर्फ परसेंटेज डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं, x% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके, अमाउंट्स कितने आ जाएंगे ध्यान से देखना। डिबेंचर एप्लीकेशन है 2,50,000, 15 रुपए फेस वैल्यू, तो डिबेंचर्स में जाएंगे 1,50,000 और 1 लाख चला जाएगा प्रीमियम में। मैं अभी आपको सिर्फ जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, अभी कैश बुक कैसे बनेगी वो भी दिखाऊंगा, सिंपल सी चीज। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट है, बाकी सारा का सारा अलॉटमेंट है, 85 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी? अलॉट मनी ड्यू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू x% डिबेंचर्स। 85 मतलब 8,50,000,
8,50,000 due. The entire money was duly received. Bank account debited to debenture allotment account. कितना 8,50,000. दो ही स्टेजेस हैं, अलग अलग करके दिखा दिए. सिंपल सा केस था, बस अमाउंट्स कैसे किस स्टेज पे कितने हैं उस पे दिमाग लगाना था. तो एप्लीकेशन था 25% इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 25% इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 25% ऑफ फेस वैल्यू. ये हमेशा ध्यान रखना है, जो परसेंटेजेस निकलते हैं वो फेस वैल्यू पे निकलते हैं. 25% मतलब 25 रुपए मिले एप्लीकेशन पे इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम 10 रुपए, तो 10 रुपए प्रीमियम है, तो 15 रुपए फेस वैल्यू है. 15 रुपए फेस वैल्यू है, तो 100 में से बाकी कितना बचा 85, वो अलॉटमेंट पे हो जाए. अगर कैश बुक कर रहे होते तो जो बैंक के एंट्रीज हैं वो जर्नल में ना जाके कैश बुक में दिखा देते. कैसे दिखाते हैं दिखा देता हूँ. अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर कैश बुक बना रहे होते तो जो भी बैंक के एंट्रीज हैं वो जर्नल में हम नहीं दिखाते. तो क्या ये जो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन है ये यहाँ नहीं आएगी. ध्यान से देखना, बैंक की एंट्रीज यहाँ नहीं आएंगी. तो एक ये और एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों यहाँ नहीं आएंगी. ये कहाँ चली जाएंगी, कैश बुक में चली जाएंगी. रिकॉर्डिंग है, एक ही बार रिकॉर्ड होगी, या तो जर्नल या कैश बुक. तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर सिंगल कॉलम है, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेजर फोलियो इमेजिनरी कॉलम में बना के दिखाएंगे. तो पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने पैसे मिले 2,50,000. सेकेंड एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने मिले 8,50,000 रुपीज पूरे मिले. तो यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बैलेंस 11,00,000. क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है. सिंपल सा है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना. कभी कभी हम बस आंख बंद करके क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, रीड नहीं करते कि क्वेश्चन में कैश बुक मांगी है, और हाफ मार्क्स फ्री में लूज कर लेते हैं, हाफ ऑफ द टोटल नॉट जस्ट हाफ. सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 of T.S. Graeber.